आज की स्टॉकिंग न्यूज़ है एलएनटी, विप्रो और यूपीएल। विप्रो ने फाइनेंशियल ईयर 21 के फोर्थ क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए। पिछले साल के मुकाबले इस साल नेट प्रॉफिट 27.78% तक बढ़ा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3.4% तक बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स लार्सन एंड टर्बो ने कहा कि उन्होंने जनवरी टू मार्च में बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर किए। उन्होंने इन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो नहीं बताई, पर कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू का अंदाज़ा 1,000 करोड़ रुपए से लेकर 25,000 करोड़ रुपए के बीच में एस्टिमेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में क्यूनलैंड सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएल की सब्सिडरी एडवांटा सीड्स के फेयर में रूल किया। कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने 2010-11 में कुछ ग्रोवर्स को कॉन्टिमिटेड सीड्स बेचे थे। ये थी आज की अपडेट। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए स्टॉक मार्केट के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।